जी वाह वाह जी वाह, फुल्ला दी वर्खा फुल्ला दी वर्खा, क्या बात। डैडी और बिट्टू पापे का इंटरव्यू चल अभी एक और नए व्लॉग की शुरुआत कंटिन्यू पार्ट में। और अभी अपन निकल चुके हैं लाहौर से ननकाना साहिब के लिए, और जो ये सफ़र भी है मस्त है, क्योंकि कल जो है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, और उसके खुशी में और सेलिब्रेशन में जो वहाँ पे कह लो एक तो समागम हो रहा है, और जो पंडाल लगा है वो देखने वाला लगा है, और आपको जो ननकाना साहब जाके दिखाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ। ये लाहौर सिटी है, लाहौर सिटी मज़ेदार है। लाहौर शहर आपको दिखाते हुए चलेंगे, लाहौर शहर आपको दिखाते हुए चलेंगे, और पूरा ननकाना साहब का व्यू भी दिखाएंगे। ननकाना साहब में काफ़ी सिख संगत आई हुई है इंडिया से और एब्रॉड से। इंडिया से अराउंड 3000 लोग आए हुए हैं, और एब्रॉड से मिला के 12-13 हज़ार लोग वहाँ पे होंगे। कल वहाँ सेलिब्रेशन करके कल रात को वहाँ से वापस चलेंगे, और परसों से 2 दिन लाहौर, फिर लाहौर के बाद 1 दिन रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद, गुजरांवाला, हसन अब्दाल, और भी एक दो जगह है जो वहाँ पे घूमते हुए वाया झेलम, झेलम भी जाएंगे, और वहाँ से घूमते हुए वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो ननकाना साहिब का सफ़र है वो है 70 किलोमीटर का। जस्ट अभी अपने गूगल लगाया तो 70 किलोमीटर्स है, और 1.5 आवर का सफ़र है, जो इसी तरह रंगीन बातें बातें करते दृश्य देखते निकल जाएगा। और अभी रास्ते में ना आपको मैं ट्रक दिखाऊंगा यहाँ के, उसके ऊपर ना बहुत सारी वो चित्रकारी करी होती है, बड़ी सारी ड्राइंग्स या वो कह लो मीनाकारी वर्क, वो बड़े अच्छे अच्छे बनाए होते हैं, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। और अभी हमने जाना है वाया मोटरवे, मोटरवे रोड बहुत बढ़िया है यहाँ की, ये रोड वाकई बहुत अच्छी है। अभी तक ये वाली जो मरुति है ये सिंह साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने फोन कर करके तंग करा, ऑलमोस्ट 80s में बंद हो गई, देख लो इनकी फोटो। और ये मारुति गाड़ी सस्ती नहीं है, आप सोचो कि सस्ती है मारुति 800, ये भी यहाँ पे शायद 24-25 लाख की है, और अल्टो गाड़ी है यहाँ पे अराउंड 34 लाख की। और मैं अभी बात कर रहा था तो पता लगा जो सोनेट गाड़ी अपने वहाँ 8-9 लाख की है, वो यहाँ 85 लाख की है। भाई गाड़ियाँ तो बहुत कॉस्टली है। और जिस गाड़ी में अभी हम चल रहे हैं ये है एली ग्रैंडी टोयोटा की, तो ये भी अराउंड तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस है। भाई ये ऊपर हाईवे पैक है, जैसे अपने यहाँ पे होते हैं मोटरवे टाइप हाईवे पैक है, और ये बसेज है यहाँ की, ये पहली बस है जी सिटी लाइफलाइन बस, देखो कितनी बड़ी है, और बीच में वो भी जगह है गुजरांवाला टू शाहकोट, गुजरांवाला टू शाहदरा, भाई गुजरांवाला से शाहदरा जा रही है, शाहदरा लाहौर होती है ना, गुजरांवाला पीछे है, गुजरांवाला पीछे है, शाहदरा लाहौर आ गया है। और यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ आपको, जो अपने वहाँ पे मैं बताता हूँ 90s के टाइम पे एक बाइक आती थी हीरो होंडा की CD100, वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, खूब चल रही है, देखने को खूब मिल रही है। पेट्रोल की कॉस्टिंग है यहाँ पे 273 रुपीस पर लीटर, और डॉलर की कॉस्टिंग है यहाँ पे, मतलब हमारा USD जो है $1 वो यहाँ पे आके बन जाता है 310 रुपीस पाकिस्तान करेंसी की। एंड देखो ये वाली वैन, ये भी हमारे वहाँ पे बड़ी पुरानी आती थी, याद है के सिर ऊंचे होते थे ना, वो उनके लिए होती थी, या जैसे सरदार कम्युनिटी में जिनकी पगड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची बांधते थे, तो ये ऊपर हाइट बहुत होती थी इसके ऊपर, तो ये वाली होती थी तब उस टाइम पे। ये लाहौर का फेमस हॉस्पिटल है, कोई नाम ऊपर पढ़ा नहीं जा रहा, हमारा पढ़िया नहीं जा रहा है भाई। यहाँ पे जैसे अपने वहाँ पे SBI बैंक है ना वहाँ पे, और यहाँ पे उस तरह के हबीब बैंक है, हबीब बैंक बहुत ज़्यादा है। ये पूरी मेट्रो है, लाहौर में भी मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, देखो ये अंडरपास है, और यहाँ साथ में नहर चल रही है, उस तरफ नहर है, इस तरफ अंडरपास है। तो आपको बताया था ना मैंने एक छोटी नहर, वो नहर पूरे लाहौर शहर में है आ गई, मतलब अंडरपास से निकले ऊपर नहर आ गई, साथ साथ नीचे भी चलती है, एक तरफ माल रोड पे, एक तरफ नहर, एक तरफ रोड, मतलब ये पूरी पूरी लाहौर सिटी के अंदर कनेक्टेड है। बड़े खुश हैं, बस फोन करके दसी जा रहे हैं। देखो सुनो सुनो, तो वो पाना मोनला यूट्यूब पास सारा उधर उधर जा रहे हैं वे, मेरा कल तो आ रहे हैं। प्रचारक ऐसे होने चाहिए जो मोनला यूट्यूब पास सब आ रहे हैं उधर, सुनते जाओ होटल छोटी दादी पाटो की।
ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮਾਡੂ ਕਾਸ ਕਲੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੇ ਕੱਜ ਲਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਸੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਫੋਨ ਦਾ 90% ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਕੀ ऐसे सब्सक्राइबर भी होने चाहिए ना देख रहे हो एक एक को फैला के बता रहे हैं यूट्यूब देखो हमारे 8-10 हज़ार व्यू तो इन्होंने बढ़वा दिए बोल बोल के भाई इसे कहते हैं असली चंडोक ये है लाहौर की मेट्रो देखो जी देखो लो जी लो इस्लामाबाद मुल्तान कराची तेजी चलना बड़ा घुमाया इस्लामाबाद रावलपिंडी हसन अब्दाल याद है तो तेरा एक और दोस्त भी आया जॉली याद ही नहीं याद दूसरी फैमिली भी आई थी आ गई याद बड़ी इज्जत की बड़ा घुमाया मतलब साड़ी गड्डी इन्नी ही चलानी है जिथे जाना इन्नी ही चलानी है और वो वाली गड्डी ते जिहड़ी असीं घूमे सी वो अज भी घर खड़ी है क्यों भाई लो जी लो टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे भी ये टोल प्लाजा है ननकाना साहब का यहाँ से हमने बाहर निकलना है राह बंद कर सकता है मुल्तान कराची रास्ता जा रहा है जी मुल्तान कराची ननकाने भी जा रहे हैं तो मुल्तान कराची भी जा रहे हैं तो जो इनका मोटरवे है ना लाइक अपना यमुना एक्सप्रेसवे कह लो या दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे कह लो सेम वैसा है मतलब यहाँ की रोडें तो बहुत अच्छी है अभी इनर की तो लाहौर आके बताएंगे कि कैसी है बस यहाँ की रोडें तो बहुत अच्छी है यहाँ गाड़ी में सब सो रहे हैं ये भी और वो भी और ये सीधी रोड कराची जा रही है कराची आना साहेब 11 किलोमीटर टोल प्लाजा का नाम ही ननकाना साहेब टोल प्लाजा है क्या बात है भाई वाह 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 बहुत बढ़िया मजा आ गया देखो कैसी आल्टो यहाँ पे आल्टो लो जी ननकाना साहब रोड पे पै गए असी हुण जी आई लव ननकाना साहेब क्या बात सुना वैराग इस रोड का ही नाम ननकाना साहब है और असी क्रॉस कर रहे हैं इतों ननकाना साहब की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर बाद हम ननकाना साहब पहुंच जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे तो भाई मीनारे पाकिस्तान आ गया ननकाना साहब के रस्ते से छोटा जहा और रणजीत सिंह राणा जी वालों वेलकम हो रहा है वाह वाह कितने सारे बोर्ड लगे हैं वेलकम यूके वाले गुरमत सेवक जत्था ऐसे खच्चर बड़े चलते हैं भाई इंडस्ट्री है ना खच्चर दी थे देखो जी लोकल बस मीनाकारी कैसे ट्रक देखो कैसे कैसे इसमें यहाँ पे मीनाकारी हुई है ट्रक में जी वाह वाह जी वाह फुल्ला दी वर्खा फुल्ला दी वर्खा क्या बात वाह 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 जी वाह जी वाह सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल ननकाना साहब पहुंच गए ननकाने दिया गलियां और पूरी ननकाने दिया गलियां ने जिथे असी जा रहे हैं और ननकाना साहब से मत्था टेकन और यह पूरा एरिया जिहड़ा इत्थे पूरे सरदार फैमिलियां रहिंदियां ढेर सारियां खालसा महला कहिंदे ने इहनू वाहेगुरु जी ननकाना साहब पहुंच गए हां मजा ही आ गया जी क्या बात है वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी आ गए वाह जी वाह वाहेगुरु वाहेगुरु पाकिस्तान द्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जोरदार स्वागत किया गया ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का परमजीत सिंह चंडोक जी का और नवनीत सिंह चंडोक जी का वाह जी वाह देखो जी ननकाना साहेब
सोनी रोनखा लगे हैं। डैडी और बिट्टू मापे का इंटरव्यू चल रहा है। इतने मिल रही है ना, कितने नहीं मिलनी है। मैं कहा मजा आ गया, बाबे नानक की धरती से आके ना दिल बाग बाग हो चुका है। हाँ जी मजा आ रहा है, वाकई फुल मजा आ रहा है। सामने नकारा अंदर मत्था टेकन जा रहे हैं। लंगर वाली साइड का जोड़ा है शहीदों के पास जो गेट है उस क्या प्यारी सी सजावट हुई है। ननकाणा साहब फुला की सेवा देखो जी, वाहेगुरु मजा आ गया जी। ओए होए होए किन्नी रौनक, मिस कर दिता यार प्रीति ने, प्रभनूर और कीरत ने कह भी रहा सी मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यह पूरा ननकाणा साहब का दीवान हॉल है जी, इतने दीवान लगता है तो यह पूरा है। और सामने गुरुद्वारा साहब है जिते बाबा जी का जन्म स्थान जन्म होया सी। वाह जन्म स्थान है जी सारा। ननकाणा साहब अंदर हॉल से बैठना नसीब हो गया, जिथे जन्म स्थान सी बाबा जी, मेहर की बाबा जी ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिते जी। इस पूरे कमरे के विच बाबा जी का जन्म होया सी, कल तारण गुरु नानक आए। दीवान लगा जी पूरा। ननकाणा साहब लंगर, तो ये अपना ऋतिक सब्सक्राइबर है जो हमें ननकाणा साहब में मिला है, तो बहुत खुशी हुई इसको मिलके। और ऐसे ही मिलते रह लो प्यार करते रहो। गुरु नानक दे घर दी रौनक, किन्नी रौनक है गुरु नानक दे घर, देखो जी देखो। यह लंगर हॉल से सेवा हो रही है, भांडे तलाई हो रही है और कोई सब्जियां छिल रहे हैं। ऐ देखो जी वाह जी वाह किन्नी सेवा। वो देखो आलू छिल रहे हैं, मतलब रौनक ही अलग है। की हाल है ठीक है, तो बहुत ही रौनक हुई हुई है। ननकाणा साहब ना बाहर होने आया तो लंगर छक के बहुत रौनक हुई है, बहुत मजा आ रहा है इतने देख के। मतलब वाकई गुरपुरब का ना टाइम पूरा मज़ेदार वाला होया हुआ इतने, तुम सारे इंजॉय करो इस वीडियो के राही। यार आज ना पूरी रूह खुश हो गई है मेरी। ओ सिद्धू मूसे वाला सेला लगिया जनपद की तरह याद आ रहा है, लंडा बाजार याद आ गया, वीर पे कर देते। भाई ननकाणा साहब के बाजारों को हमने खूब घूम लिया, कल घूमेंगे हम यहाँ पे जो लोकल हमारे गुरुद्वारे हैं उनको घूमेंगे। पर रौनक ऐसे हुई है ना जैसे दिल्ली का नगर, वो कहते हैं गुरुपुरब या नगर कीर्तन एंजॉय कर रहे, क्यों जी है ना वही चीज़ लग रही है, वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, फुल संगत नजर आ रही है। और सामने देखो ननकाणा साहब का गेट है। कीरत आता ना यहाँ बहुत इंजॉय करता, यहाँ छोटे छोटे बच्चे वो देखो मेला लगा हुआ है वो बिक रहे हैं, ऐनक देखो उसके ऊपर कोई लेजर मार रहा है वो देखो, वो अपने सिद्धू मूसे भाई की फोटो लगी है। ये पंजाब में नहीं बाकी वर्ल्ड में फेमस है, देखो पाकिस्तान में भी लगी है। एडी और बिट्टू बापा पूरा एंजॉय कर रहे हैं देखो मेले को।